और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से है, जहां इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आनंदपुरी में पीयूष जैन के घर पर आईटी की छापेमारी जारी है और नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची है आईटी की टीम। कन्नौज में पीयूष जैन का है इत्र का बड़ा कारोबार, आईटी की टीम वहां मौजूद है, तमाम अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां इत्र कारोबारी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हुए हैं छापेमारी के लिए। आनंदपुरी में पीयूष जैन के घर आईटी की छापेमारी चल रही है, नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची है आईटी की टीम। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें, क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, सुबह आपको बता दें कि आईटी की टीम ने रेड की थी, और जब पहले घर पे एक बार रेड किया और वहां पर जब कागजात खंगाले और घर को बारीकी से वहां छानबीन की, तो इसके बाद टीम के कुछ सदस्य बाहर आए और वो नोट गिनने की मशीनें लेकर के गए हैं। तो जाहिर तौर पर इससे पता ही चलता है कि घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद है, जिसको गिनने का काम अंदर किया जा रहा है। बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की गई है और आयकर विभाग की टीम फिलहाल घर के अंदर है और किसी भी तरीके की कोई सूचना बाहर नहीं आ पा रही है, और घर के अंदर जो भी लोग हैं उनको बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये बड़े इत्र कारोबारी हैं, जिनका नाम पीयूष जैन है और इनका इनका कन्नौज से कनेक्शन है, कन्नौज में इनका कारोबार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी इत्र का बड़ा कारोबार है और ये इत्र के बड़े कारोबारी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये सपा के फाइनेंसर हो सकते हैं। और आपको बता दें कि जब टीम पहुंची थी तब उसी समय टीम ने जो घर के नौकर थे और बाकी सभी लोग थे उनको घर से बाहर निकलने पीयूष जैन अभी कहां है और क्या घर के और सदस्यों के बयान भी दर्ज हुए हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, आईटी की टीम घर के सदस्यों से लगातार बात कर रही है, उनसे जो कागजात है उनको खंगालने का काम कर रही है, जो पेन ड्राइव है, जो कंप्यूटर का डाटा है उनको सबको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो बेनामी संपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारी की जा रही है और घर में जो कैश बरामद हुआ है उसको गिनने की प्रक्रिया जारी है। जी बिल्कुल। और श्याम, जिस तरीके से यहाँ पर आईटी की टीम पहुंची है, छापेमारी भी चल रही है, लेकिन क्या ये माने कि समाजवादी पार्टी के करीबी हैं ये? बताया जा रहा है कि इनके सपा से कनेक्शन है कन्नौज से, क्योंकि कन्नौज में इनका कारोबार है और पैतृक घर भी इनका कन्नौज में ही है। और इनका कारोबार हालांकि देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है लेकिन कन्नौज में कारोबार करते हैं, कन्नौज में पैतृक घर है, तो सपा से इनके नजदीकी संबंध माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं छापेमारी को उससे देख करके जोड़ करके देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम तिवारी जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इत्र का बड़ा कारोबार ये करते हैं पीयूष जैन, जिनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है।